बिहार विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 22 अक्टूबर को इलेक्शन की तारीख तय की गई है। इसको लेकर आज शनिवार को सिवान पहुंचे केदारनाथ पांडे। पिछले 18 साल से सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर जीत हासिल कर रहे हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदार पांडे एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। केदारनाथ पांडे 1 अक्टूबर को अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं केदारनाथ पांडे ने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद है इस बातचीत के लिए। मैं तो 50 वर्षों से शिक्षक आंदोलन से जुड़ा हूँ और 18 वर्षों से बिहार विधान परिषद में इस क्षेत्र के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और 6 वर्षों में मैंने जो कुछ भी किया है शिक्षकों के हित में उसका डॉक्यूमेंट मैंने जारी भी कर दिया। अब विभिन्न कोर्ट के जो शिक्षक हैं, नए शिक्षक जिनको पहले नियोजित शिक्षक कहा जाता था, उनके संबंध में ये जो वितरित संस्थानों के शिक्षक हैं उनके संबंध में जो संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के शिक्षक हैं उनके संबंध में, मदरसा और संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनसे संबंधित सारी बातें जो पिछले 6 वर्षों में मेरे द्वारा विधान परिषद के सदस्य के रूप में की गई हैं, लेकिन मुख्य मुख्य बातें हमने बता दी हैं। नए शिक्षकों को इन 6 वर्षों के दौरान वेतनमान मिला है, सेवा शर्तें मिली हैं, EPF की सुविधा मिली है, अनुकंपा के आधार पर नौकरी का प्रावधान लागू हुआ है, ऐच्छिक स्थानांतरण लागू हुआ है और 1/4 से उनके वेतनमान में 20% वेतन की बढ़ोतरी हुई है। जो वित्तरहित संस्थान हैं उन्हें लगातार अनुदान मिलता जा रहा है और हमारी भावी योजना है उनको घाटानुदान में तब्दील कराने की। मदरसा और संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो जब मैं 2002 में चुनाव लड़ रहा था तो 4,000 वेतन पाते थे, आज वो 44,000 वेतन पा रहे हैं लगातार प्रयास से। और उनकी सिर्फ एक ही समस्या बची है कि उनको वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलती है, वो वार्षिक वेतन वृद्धि दिलाई जाए। डिग्री कॉलेज के जो शिक्षक हैं उनको कालबद्ध प्रोन्नति का मामला थोड़ा सा लंबित बचा हुआ है, वरना हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में सभी कोर्ट के लोगों के लिए काम किया है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फोकस शिक्षकों के मामले में निजीकरण की ओर जा रहा। तो एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बात आने वाले दिनों में शिक्षकों के सामने आने वाली है और उनकी एकजुटता, उनका एकजुट संघर्ष आवश्यक प्रतीत होता है। अन्य जो बातें आ रही हैं नई शिक्षा नीति में उन बातों को गहराई से देखने की ज़रूरत होगी और उसके लिए सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने की आवश्यकता होगी आने वाले वर्षों में। देखिए, बहुत लोग तो चुनाव मैदान में लोकतंत्र में रहेंगे ही, लेकिन मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं जनता ने इस लड़ाई को मेरे पक्ष में कर दिया है और मैं इस लड़ाई में सबसे ऊपर हूँ। ये लड़ाई तो मेरे लिए एक औपचारिक लड़ाई के रूप में है, इसलिए हमें इस लड़ाई में बहुत लोगों के होने से कोई चिंता नहीं। जब शिक्षक अपनी मांगों को उठाते हैं तो सरकार के द्वारा उनके लाठियां बरसाई जाती है, वैसे में क्या लगता है उनके हित में कुछ होगा? सरकार का काम है लाठियां बरसाना, हम लोगों का काम है संघर्ष करना। और मैं समझता हूं कि दुनिया में चाहे शिक्षक संगठन हो, चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे मजदूरों के संगठन हो, आज तक सारे संगठनों पर लाठियां बरसाई गई हैं। बावजूद इसके संगठन अपनी एकजुटता के बल पर लड़ाइयां जीतते रहेंगे, यही दुनिया में आज तक मजदूरों के संगठनों का इतिहास है। इसलिए हम लोग आज तक जीतते रहे हैं 50 वर्षों से, कोई एक आंदोलन मैंने नहीं किया।
मैंने कम से कम दर्जनों आंदोलन का नेतृत्व किया है और दर्जनों आंदोलनों में हमको सफलता मिली है, तो हम आगे भी लाठियों के बावजूद हम हर संघर्ष को जीतेंगे शिक्षकों के हित में और शिक्षा के हित में। क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो कलम चलाने वाले लोग हैं उनको कमजोर और मजबूत समझ रही है? ऐसा सरकार समझती होगी तो सरकार समझे, कलम चलाने वाले लोगों के प्रति सरकार का नज़रिया बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कलम चलाने वाले लोगों ने दुनिया में सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन हमेशा लाया है और आने वाले वर्षों में भी बुलाएंगे। शिक्षण संघ का चुनाव कब है और अपने जो वोटर हैं आपको उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? ये 22 अक्टूबर को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव होने वाला है, 22 अक्टूबर को शिक्षक मतदान करेंगे। उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षा और शिक्षकों की लड़ाई के कई आयाम जो बाकी हैं उन आयामों को पूरा करने के लिए मैं शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि वो जनादेश मुझे दें, भारी बहुमत से जितावें और प्रथम वरीयता का मत देकर के विजयी।